like a top 100 JEE rank agar aapki hai and if you have a good enough CPI like 9.5 9.8 that's coming from Parth guys don't panic yahan pe aapke aake aapko itni nahi aa rahi hai bahar ke colleges se bhi kya matlab you had co interns and now are people joining along with you people from non IITs you know NITs ya other colleges aisa koi hota hai ya are they typically hiring from IITs abhi ke time pe Okay, so hey Parth, hi yaar, welcome to the podcast and congratulations on your placement, of course. Thank you so much, yaar. I just feel so lucky. I just believe, bhai. This is lucky for us because you know. इतने कमेंट्स आ रखे हैं ठीक है तुम्हारी जेई की स्टोरी से तो यू आर ऑब्वियसली वेरी फेमस यू नो द वे यू हैव प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल दैट यू हैव बीन थ्रू यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन थ्रू आउट मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं मतलब डू यू रिमेंबर द आर्यभट्टा एग्जाम जो दिल्ली में होता था एनएमआईसी क्या समथिंग लाइक दैट ये नेशनल मैथमेटिक्स समर फील्ड स्कूल हां मैथमेटिक्स का ही होता था हां थिंक आई रिमेंबर या आई थिंक यू टॉप्ड ऑल इंडिया एंड दैट वाज व्हेन बैक व्हेन वी वर इन ग्रेड 5 तो तब मेरे को सबसे पहले ऐसे पार्थ द्विवेदी का नाम देखा था मैंने and since then I've been following you on Quora and especially days leading up to JEE I used to read a lot of your answers and your final answer अरे अरे थैंक और बहुत सारे लोग मतलब जितने देख रहे होंगे यार वो तुम्हारे को उस आंसर से तो जानते ही है apart from all the great work that you've done but हाँ हमें ये सीरीज चालू करनी थी यार for everybody watching this is a series where we are going to talk about the various roles यार different type की opportunities जो IIT के बाद खुलती है आपके लिए and इस साल की placement के most लोगों को हम लेके आने की कोशिश करेंगे बाकी seniors juniors भी हो सकते जूनियर्स तो नहीं होंगे उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई अभी बट या सीनियर्स भी हो सकते हैं ऑन द पॉडकास्ट बट व्हाट अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द पॉडकास्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अबाउट क्वांट रोल्स हमने एक प्लेसमेंट में वीडियो बनाई थी एक्चुअली पार्थ एंड हमने वहां पे क्वांट रोल्स को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म अबाउट इट क्योंकि यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन सबसे ज्यादा पैसा वहां होता है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सुना था बट ये क्वांट रोल्स क्या होते हैं सो आई थिंक यू हैव डन एन इंटर्नशिप इन अ क्वांट रोल एंड अभी भी मतलब आई थिंक यू आर जॉइनिंग अ क्वांट फर्म ओनली राइट राइट सो मेरी इंटर्नशिप जो थी दैट वाज इन जेन स्ट्रीट व्हिच इज अ क्वांट फर्म दैट इज बेस्ड एक्चुअली इन न्यूयॉर्क बट आई वर्कड एट द Hong Kong office. Okay. Right. So that was my third year summer internship. After that, you know, I applied to Da Vinci Derivatives, which is another quant firm that is based in Amsterdam. And I was lucky enough to get selected there. Okay. So that's basically my journey. This company that I've joined, Da Vinci Derivatives, it's comparatively new. It is an Amsterdam-based company founded in 2015, approximately. Yeah. And they have relatively few employees. Choti company hai, grow kar rahi hai. धीरे धीरे एंड उनका मैं मुंबई ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ ओके बढ़िया सो आई वांटेड टू स्टे इन इंडिया यस तो यार लेट्स ब्रेक दिस डाउन क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यू नो लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेडिंग समझ आता है आई एम श्योर स्टॉक मार्केट्स दैट्स द बेसिक लॉट ऑफ अस हैव हर्ड बट क्वांट रोल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं कैसे होते हैं हाउ डिड यू यू नो प्लान टू जॉइन क्वांट फर्म्स एंड व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस मतलब बहुत इजीली अगर एकदम बेसिक से समझाना हो यू नो पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई उनको बिल्कुल भी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी इवन स्टॉक मार्केट्स की इतनी नॉलेज नहीं होगी तो व्हाट आर क्वांट फर्म्स यू नो फॉर अ न्यूबी तो बेसिकली अज्यूम की यू आर ऑन द स्टॉक मार्केट एंड लेट्स से यू वांट टू बाय और सेल अ स्टॉक So it's very difficult ki someone like if you want to buy the stock someone wants to sell the stock is also in the market at the exact same time right So matlab there needs to be some customer to match these two that are coming at different times right effectively So these quant firms these high frequency trading firms these come into play at this point okay. they basically buy and sell राइट दे ट्राई टू बाय दे ट्राई टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट ओके सो मतलब जिनको बाय करना है वो बाय कर सकते हैं जिनको सेल करना है वो सेल कर सकते हैं दीज आर लाइक द मीडिएटर्स एंड फॉर द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग दे चार्ज अ कट ओके एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट मेकिंग व्हिच अ लॉट ऑफ क्वांट फर्म्स डू राइट नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ क्वांट राइट द अदर एस्पेक्ट ऑफ क्वांट इज यू नो ऑप्शंस डेरिवेटिव्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करना राइट सो आप बेसिकली लोर आप स्टॉक्स में नहीं डील कर रहे आप स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स पर डील कर रहे हैं स्टॉक्स के ऑप्शंस पर डील कर रहे हैं राइट तो नाउ नेचुरली सिंस दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स दीज अलाउ फॉर मतलब मोर मैथमेटिकल मॉडलिंग राइट एंड इसमें ज्यादा सिग्नल्स मिलते हैं इन पर ट्रेडिंग करने पर काफी फर्म्स इनमें फोकस करते हैं बिकॉज दीज हैव लार्जर प्रॉफिट स्कोप्स ओके
तो दैट्स व्हाट डाविंची डेरिवेटिव्स कम्स फ्रॉम डेरिवेटिव्स बिकॉज़ दे आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स गॉट इट सो वन इज मार्केट मेकिंग जहां पे आप मतलब स्टॉक मार्केट पे फॉर बायर्स एंड सेलर्स को मैच करते हो एंड यू बेसिकली मेक द मार्केट यू फुलफिल द नीड्स ऑफ आइदर साइड ऑफ द ट्रेड एंड दूसरा यू वर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स व्हिच इज बेसिकली किसी स्टॉक के असली प्राइस से जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है हेंस द नेम डेरिवेटिव्स सो एंड दिस इज दिस हैपेंस ऑन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड हाई फ्रीक्वेंसी स्केल मतलब ऑफ ऑर्डर माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स राइट व्हिच इज व्हाई दीस आर कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स एज़ वेल एचएफटी फर्म्स दैट्स वेयर द वर्ड एचएफटी एंड क्वांट इज बेसिकली द सेम थिंग राइट क्वांट आई वुड से इज सम सॉर्ट ऑफ अ सुपरसेट ऑफ एचएफटी ओके बिकॉज़ अ लॉट ऑफ मार्केट मेकिंग फर्म्स से दैट वी आर डूइंग मार्केट मेकिंग एज़ वेल एज़ एचएफटी थिंग्स ओके So that's basically ठीक है तो मतलब मार्केट मेकिंग प्लस एच एफ टी इज क्वांट राइट राइट मोर ऑर लेस ठीक है सो ब्रॉडली दैट आई थिंक दैट क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अप मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते थे इसके बारे में तो दिस इज इंटरेस्टिंग यू नो फॉर समबडी जो इवन फाइनेंस में एंथुजियास्टिक है मैथमेटिक्स में एंथुजियास्टिक है एंड आई रिमेंबर यू नो आई स्टार्ट फॉर द जे एन स्ट्रीट सिलेक्शन प्रोसेस एक दो राउंड मेरे उसमें निकले थे और उसमें फिर मेरा फाइनली प्रोबेबिलिटी वाला जो वो था वहां वहां पे आई गेव अप बिकॉज़ वो बहुत डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी थी सो आई थिंक इट्स हाई ऑन मैथमेटिक्स राइट मैथमेटिक्स भी काफी टेस्ट होता है इन फर्म्स में व्हेन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड यस सो द मेन थिंग दैट दे यू नो दैट दे आर डूइंग एट कॉन्फर्म्स इज बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग राइट तो कोई भी स्टॉक का प्राइस है कोई भी किसी भी चीज का प्राइस है तो यू मॉडल इट यूजिंग मैथमेटिक्स एंड नेचुरली वो मैथमेटिक्स आप कितनी भी सिंपल कर सकते हैं कितनी भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं यू हैव टू फिगर आउट द स्वीट स्पॉट राइट तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज व्हाई दे आर आस्किंग यू नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी इन द इंटरव्यूज देमसेल्फ तो यार इसमें मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ कोडिंग मतलब कोडिंग का कितना हेल्प होता है डू यू हैव टू कोड अ लॉट डू यू हैव टू यू नो बहुत सारे लोग अभी प्रिपेयर करने लग जाते हैं जस्ट जेई के बाद ही कि यार हम कोड करेंगे ऑफ कोर्स इट्स रेलेवेंट फॉर एसडी रोल्स जो खुलते हैं बट क्वांट रोल्स में हाउ मच ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड सो क्वांट में आप जो एक चीज तो करनी होती है वो होता है डेटा एनालिसिस सो डेटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट नेचुरली क्योंकि डेटा सारे स्टॉक्स आपके पास आ रहे हैं सो यू नीड टू बी वेल वर्स इन पाइथन पांडास एमपी ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब डेटा फ्रेम्स को कैसे एनालाइज करना है मॉडल्स कैसे बनाने हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स फिट कैसे करना है कौन से फैक्टर्स देना है यहाँ पर थोड़ा स्टैट्स वाला पॉइंट भी आ जाता है तो दिस इज फॉर यू नो मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड फिटिंग उस सेंस में सो कोडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कोडिंग गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ लॉजिकल पाथवे टू वर्क थ्रू मतलब पीपल आर गुड कोडर्स दे आर ऑल्सो गुड लॉजिकल थिंकर्स राइट सो मतलब इन जनरल कोडिंग काफी हेल्प करती है कोड में राइट एंड सो यू नो पीपल वॉचिंग दिस बहुत सारे लोगों को कोडिंग काफी हद तक अभी नहीं आती होगी बिकॉज देर आर जेई एस्पिरेंट्स बट यूड लाइक टू लर्न एंड देर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज बिकॉज 2023 हैज बीन अ डिफिकल्ट सीजन फॉर कोडर्स हमने न्यूज वगैरह देखी है यू नो ले ऑफ्स की एंड इस सब की बट द फैक्ट रिमेन्स की कोडिंग का जो डिमांड है अभी भी अक्रॉस इंडस्ट्रीज इट्स वेरी हाई एंड इट्स नॉट गोइंग टू फेड अवे एंड फॉर दैट यू नो देर इज गुड न्यूज बिकॉज अगर आप गीक्स फॉर गीक के कोर्सेज लेना चाहते हैं गीक्स फॉर गीक्स इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फर्म्स हैव यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स यस यस काफी सारी चीजें मतलब ऐसे गीक्स फॉर गीक्स पे ट्यूटोरियल्स हैं काफी सारी उनकी ऐसे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो डेली राइट बिकॉज आई हैव सीन ऑल ऑफ दीज गाइज मतलब मेरे दोस्त भी जितने भी है ये सब प्लेसमेंट सीजन में गीक्स फॉर गीक्स पे काफी प्रैक्टिस करते हैं एंड गीक्स फॉर गीक्स आपको एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल जिस भी लेवल पे आप प्रिपेयर कर रहे हो जैसा भी आपको सीखना है आपको उसके लिए कोर्सेज देते हैं सो दे हैव दिस न्यू थिंग कॉल्ड द 390 चैलेंज अब ये 390 चैलेंज है यार 390 चैलेंजेस यू गेट अ 90% रिफंड ऑन द कोर्स कॉस्ट अगर आप 90 डेज में 90% ऑफ द कोर्स कंप्लीट करते हैं और ये सब कोर्सेज पे वैलिड है थ्रू आउट जनवरी सो आई थिंक दैट इज ग्रेट मतलब अगर आपको ये न्यू ईयर में एक न्यू रेजोल्यूशन लेना है यू वांट टू गेट इनटू कोडिंग सो दैट इज समथिंग ऑन अ साइड नोट जो आप रेलेवेंट आपके लिए हो सकता है सो डू चेक इट आउट इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बट एनीवेज मूविंग बैक टू क्वांट पार्थ ओके सो यार पार्थ यू हैव इंटर्नड एज अ क्वांट ट्रेडर ठीक है तो वीड लाइक टू नो थोड़ा सा हाउ डज अ टिपिकल डे इन लाइफ ऑफ अ क्वांट ट्रेडर लुक लाइक क्या करते हो मतलब तुम क्या काम होता है आर यू इन meetings, are you coding behind a desk, are you, you know, making mathematical models, what is it? Right. So, basically, I interned at this firm called Jane Street. So, that's a New York-based firm. Actually, I've already said that. But, the thing was that a lot of people say that hours are very long. That was not the case with this firm. Okay. Matlab, it's quite fixed hours that we would come in at around 8:30. Right. And then we would leave at around 6 or so in the evening. 6 ke baad, like, it was not even allowed for interns to be in the office. Right.
राइट तो हमारा मेनली जो डे दिखता था वो एक तो हम लोग करते थे मार्केट मेकिंग के गेम्स दैट वाज एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग सॉरी सिमुलेशन ट्रेडिंग बेसिकली एक सिमुलेशन में बॉट्स ट्रेड कर रहे हैं यू ट्रेड विद द बॉट्स यू ट्रेड विद अदर इंटर्न टीम्स इट वाज सॉर्ट ऑफ अ गेम और अ कंपटीशन ऑफ सॉर्ट सो दैट्स फॉर यू नो बिल्डिंग योर स्किल्स ऑफ सॉर्ट्स ओके दैट सो दिस वाज जस्ट फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम सो दिस वाज अस एज इंटर्न्स आई आल्सो गेट टू मतलब व्हाट द जो एक्चुअल एम्प्लॉइज थे वो कैसे काम करते थे तो दिस वाज एज इंटर्न्स एंड देन वी हैड अ प्रोजेक्ट दैट वी वुड वर्क ऑन तो हम लोग प्रोजेक्ट पर अपना काम कर रहे हैं दिस वाज पाइथन नोटबुक्स में होता था सबको जुपिटर नोटबुक्स में राइट हम लोग पाइथन यूज कर रहे थे डेटा एनालिसिस किया मॉडल्स फिट किए वगैरह उस टाइप की चीज फॉर क्वांट ट्रेडर्स देयर वर यूजुअली टू काइंड्स ऑफ रोल्स इन जनरल आई मीन बोथ आर कॉल्ड क्वांट ट्रेडर्स बट देयर वर ट्रेडर्स हु आर लाइव ट्रेडिंग क्योंकि एक्चुअल मार्केट्स चल रहे हैं दे आर मैचिंग ऑर्डर्स टू क्लाइंट्स वो उनको बिड्स एंड आस्क्स दे रहे हैं लाइक स्प्रेड्स बना रहे हैं मार्केट पर एंड दीज आर एक्चुअल लाइव ट्रेडर्स ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव क्वांट रिसर्चर्स सो दे आर लुकिंग एट द डेटा वो स्टॉक्स के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं वो इन जनरल देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल फिट कर सकते हैं विच इज गिविंग द बेस्ट रिटर्न्स एंड सो ऑन राइट सो पीपल आर वर्किंग ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स ओके तो मतलब वो मॉडल फिटिंग भी हो रही है और यहाँ पर ये भी हो रहा है सो इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर गुड एट राइट एंड दे विल फिट यू इन टू दैट रोल Perfect. Sounds interesting, yaar. So, matlab, lekin typically, fir bhi, matlab, number of hours that you worked for. Right. That was 8:30 to 6. Aur uske baad, aur is 6 ke baad bhi office almost khatam ho jata tha. Right. People would stay back in the office for playing poker ya matlab aise kuch event ho gaya wagera. Right. But uske baad kaam koi nahi karta tha. Like, you would find almost no one at their desk. This was in line with the market timings. Jaise matlab, India mein stock market timings are 9:15 to 3:30. Aisa, was it the same case there? Ya fir ye, you know, 8:30 a.m. Why the early start? क्योंकि मार्केट से पहले भी यू नीड टू मतलब प्रिपेयर फॉर द मार्केट एंड ऑल्सो काफी बार होता है यू नॉट ओनली ट्रेडिंग इन वन स्टॉक एक्सचेंज यू आर ट्रेडिंग मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस अराउंड द वर्ल्ड राइट सो इट वाज तो ऐसा रहता है कि आपने एशिया का हैंडल कर लिया एंड थोड़ा सा यू नीड टू सपोर्ट द यूएस टीम लेट्स से यू नीड टू सपोर्ट द जापान टीम या समथिंग लाइक दैट गॉट इट उस टाइप की चीज है ठीक है यार दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग आई थिंक एक चीज लेट्स रोल बैक अ लिटिल बिट टू द प्रिपरेशन बिट आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट यू नो हाउ कोडिंग इज नॉट डायरेक्टली नीडेड बट इनडायरेक्टली हेल्पफुल हाउ मैथमेटिक्स इज नीडेड बट व्हाट एल्स डिड यू डू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल राइट सो इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली जो पूछते हैं वो पूछते हैं क्वांट पजल्स ओके मेनली क्वांट पजल्स और कभी कभी सीपी प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं तो क्वांट पजल्स क्या होते हैं मतलब सो दीस पजल्स आर यूजुअली प्रोबेबिलिटी बेस्ड ओके और दे कैन इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम डाइस रोल्स टू ऐसे डेक ऑफ कार्ड्स को शफल कर दिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ सकते हैं दे कैन आस्क यू व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी थिंग्स लाइक दैट एंड यू कैन फाइंड दीस पजल्स मतलब ब्रेन स्टेलर करके एक वेबसाइट है जो कि मैंने पर्सनली जहाँ से प्रिपेयर किया था एक द ग्रीन बुक करके एक क्वांट की बुक आती है ठीक है एंड वो भी काफी पॉपुलर है काफी सारे दोस्तों ने उसको ऐसे किया था सो दे आर डेडिकेटेड गाइड्स फॉर this sort of preparation quant puzzles ki got it theek hai so matlab it's basically these quant puzzles that are the most important placement interviews mein and even intern yes quant puzzles aap se puchenge and it's also important to work through your process because the interviewer doesn't expect you to know all the answers right they are looking for you know collaborative people that can work in a team right ki matlab kisi aur ne idea diya to aap us par build on kar sakte hain aap uske idea ko samajh jaye fair hai na to us type ki bhi cheeze aapko which makes sense because they're looking for team workers to matlab how much you can contribute to the team is what they're Exactly. This is perfect, man. I think that is very insightful. मतलब जितने भी लोग prepare करना चाहते हैं पार्थ ने preparation resources बता दिए पार्थ ने बता दिया क्या पूछा जाता है interviews में Okay, तो पार्थ यार एक another question जो मुझे भी है बहुत सारे लोगों को होता है is कि how much of a weightage is given to you know your degree if you are a CS student or not how much of it is given to your CPI कि कितना तुम grade लेके आते हो college में उस सब का importance होता है उस सब का weightage होता है So the thing is that quant firms are just looking for bright people in general. Okay. So if you are bright enough, you will get into quant. Right. But the thing is ki kyunki matlab India mein itne sare log hain and you cannot personally interview each and every one of them. तो विच इज वाई कि कुछ क्राइटेरिया ऐसे सेट किए जाते हैं विच इज वाई जो जेई रैंक है दैट इज लाइक द मेन क्राइटेरिया जिसकी वजह से ऐसे काइंड ऑफ लाइक बाइफर्केट करते हैं वो राइट सो लाइक अ टॉप 100 जेई रैंक अगर आपकी है एंड इफ यू हैव अ गुड एनफ सीपीआई लाइक 9.5 9.8 बंदा ब्राइट है सीपीआई इज लाइक की हार्ड वर्किंग है उस टाइप का एंड विच इज बाकी कंपनीज इन चीजों को वेटेज देकर ऐसे शॉर्टलिस्ट निकाल देती है राइट बट वंस यू नेम इज इन द शॉर्टलिस्ट देन कंपनीज को नहीं फर्क पड़ता है कि आपने क्या वो कर रखा है ये क्या कर रखा है इनफैक्ट दे डोंट इवन केयर वेरी मच अबाउट योर प्रोजेक्ट्स राइट
बहुत सारी कौन कंपनीज को आस्क ओनली वन पेज रेज्यूमेस ना, तो उनको बस इससे मतलब है, एंड देन हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू से बात कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कॉल पजल सॉल्व कर रहे हैं, हाउ यू वर्किंग थ्रू द प्रॉब्लम, ऑल दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो जस्ट फॉर द इनिशियल शॉर्टलिस्ट पार्ट जहां पर ये सीपीआई और जेई रैंक और ब्रांच इन सब का क्राइटेरिया आता है, बट उसके बाद वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड इट डजंट मैटर. राइट, एंड द क्वेश्चन आई हैड यू नो बिकॉज नॉट एवरीबडी फ्रॉम आईआईटीज विल बी वॉचिंग दिस, तो बाहर के कॉलेजेस से भी क्या मतलब यू हैड को-इंटर्न्स एंड नाउ आर पीपल जॉइनिंग along with you people from non IITs you know NITs or other colleges, aisa koi hota hai ya are they typically hiring from IITs abhi ke time pe? So usually most of the people that you find especially at foreign conferences they are from IITs. okay, to matlab in the firm that I am joining, so Da Vinci Derivatives, yeah. Is suddenly aise hire kiya I guess 5 or 6 people, right. And all from different IITs, so right. IIT Bombay, Kharagpur, मद्रास, ऐसे अलग अलग जगह से हायर हुए हैं. इवन एट जेन स्ट्रीट भी जो हायर हुए हैं जो इंटर्न्स थे, दे वर फ्रॉम आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, बॉम्बे, एंड आल्सो फ्रॉम एनयूएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. तो दे आर बेसिकली टेकिंग द काइंड ऑफ टॉप कॉलेजेस ऑफ ईच कंट्री. फेयर. तो इट माइट बी टफ टू गेट इनटू दीज फॉरेन कॉन्फर्म्स, बट इंडियन कॉन्फर्म्स में दे माइट बी अ चांस. गॉट इट. Right, because there exist tier 2 confirms in India as well. So if you're really interested in the field, you can go over here and then, you know, you can switch to a higher confirm. Right. For context here, Parth, can you walk us through some names of Indian quant firms for people watching this? Sure. So a lot of the Indian quant firms, where my friends are going, are Quadi, Graviton, AlphaGrep. And WorldQuant is also there. QuantBox is also there. QuantBox also has an office in Singapore, okay. So, which is it's slightly highly coveted. Tower Research Capital. Right. Optiver is more on trading and all. That would be HRT, Hudson River Trading, which broke off from Tower. Right. So Tower and HRT, these are HFTs. They usually trade algorithmically. Okay. Baki Jane Street, Optiver, they trade manually as well as algorithmically. Right. So sab har firm ka apna alag alag hota hai. So you have to aapko dekhna hai ki aapko kaun sa suit karta hai. Got it. Theek hai. That is very insightful. One question yaar, Parth, matlab if you have context for this, you know, matlab I it's fine, matlab agar because you've not joined abhi, agar nahi pata hoga to theek hai, but a lot of people also talk about, you know, the long term aspect of this. Kyunki matlab I have heard, I don't know how true this is, ki not people don't stay in these roles for a very long time. Is that true, and if that, why is it so? So of course that is pretty true. Okay. And the reason for this quant is a very fast field. Hmm. And when you join, you are young, to aapka matlab aap jaldi kaam kar sakte hain, jaldi aapko aise cheeze click karte hain, as you get old matlab naturally cheeze get a bit slow. Right. And the thing is, in quant companies there are very few managerial roles. Okay. You won't find this manager ki hierarchy jo aapko Google mein milegi ya aise Microsoft mein milegi. तो मतलब एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग. सो आफ्टर लाइक 5 or 10 इयर्स ऐसे पीपल अप्रोच करते हैं 28, 29, 30 इस टाइप की एज, सो दे फाइंड दैट दे आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी. एक तो ये हो जाता है, एंड ऊपर से दे हैव ऑलरेडी अर्नड सो मच इन द लास्ट 10 इयर्स कमाते. तो मतलब दे कैन इजिली टेक एन अर्ली रिटायरमेंट एंड देन दे कैन परस्यू व्हाटएवर दे वांट. दे कैन डू देयर ओन स्टार्टअप, दे कैन डू देयर ओन बिजनेस, दे कैन गो टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. अ लॉट ऑफ क्वांट पीपल दे गो टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब कुछ कल के एमबीए वगैरह. So nice, that's basically the so what do they typically do? मतलब उसके बाद लोग usually early retirement ले रहे होते हैं, MBA कर रहे होते हैं, या फिर directly startups कर रहे होते हैं? So it depends on person to person. मैं भी बहुत ज़्यादा sure नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी जितना experience अपने seniors से, और senior मतलब 3-4 साल बाद, because this is a very relatively new industry. Fair. So it's exciting, you know, that's what makes it exciting anyways. So okay, I think we've talked about the preparation, we've talked about the interview process, we've talked about, you know, how the life looks like here. So सम अप करते हैं यार इसको पार्थ. थोड़ा सा यू नो व्हाट आर योर टिप्स टू समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, यू नो मे बी अ जेई एस्पिरेंट इज वाचिंग दिस, मे बी समबडी हु इज इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इन कॉलेज इज वाचिंग दिस एंड देयर एस्पायरिंग टू गेट इनटू दिस, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, व्हाट इज योर फाइनल वर्ड्स? तो आई गेस मतलब एक पॉइंट मैं काफी मेजरली स्ट्रेस करना चाहूंगा कि डोंट फोकस जस्ट ऑन द हाई पेइंग पैकेज. मतलब हाइपिंग पैकेज इज नेचुरली वेरी वेरी एक्साइटिंग, मतलब मैं मुझे भी उसने ही अट्रैक्ट किया था. बट लेकिन अगर आप केवल हाइपिंग पैकेज के लिए जा रहे हैं, देन मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट सेलेक्टेड. इफ यू आर सेलेक्टेड, इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्टे इन द कंपनी फॉर वेरी लॉन्ग. मतलब आपको बर्नआउट वगैरह काफी जल्दी होने लगेगा. राइट. सो मतलब इट्स यूजली फॉर पीपल हु आर कॉम्पिटेटिव बाय नेचर. ओके. मतलब मैं अच्छा थंब रूल इसको मानता हूँ कि इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट जेई टेस्ट, मतलब मान लीजिए आपका कोई जेई टेस्ट है, कोचिंग वगैरह में आप सब पढ़ पढ़ कर गए हैं, एंड इफ यू आर नाउ एक्साइटेड अबाउट द टेस्ट, आज टेस्ट आज
छोड़ के आएंगे ऐसे, आज आज तो यार देखते हैं ना आज कौन हमसे बेटर करता है. तो मतलब अगर आपको यार फीलिंग आती है देन मतलब मे बी कॉन्ट इज द फील्ड फॉर यू कि यू वांट टू बी द बेस्ट टाइप का. Perfect, yaar. That is a wonderful thumb rule, matlab, for people watching this. Thank you so much, yaar, Parth. I think this was very insightful. Thank you so much for taking out time. Sure. If you have any more questions, guys, let us know in the comments. Main niche Parth ka Instagram bhi dali, you can go follow him. I don't know, matlab, wo spam karenge tera inbox. Don't answer it. But comments mein, I'll try to answer as many questions as I can. And if you want, we can perhaps get Parth or one of his friends for a follow-up interview. There are a lot of questions. Sure. So show your love, like kar do video ko for Parth, subscribe kar do channel ko for all the upcoming podcast. Thank you so much, Parth. Thank you for having me, Iknur. Arey yaar, fist bump kar yaar. Yep. Chalo, thank you so much. Stay safe, stay healthy, keep preparing and robot. Machate raho. Yeah. Bye bye.